हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से पवित्र श्रीमद् भगवद गीता का जन्म हुआ था। सनातन संस्कृति में श्रीमद् भगवद गीता न केवल पूज्य अपितु अनुकरणीय भी है। यह विश्व का इकलौता ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है और जिसे हम गीता जयंती कहते हैं, जो समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है, वह जिसका प्रवचन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया है। गीता महात्म्य में कहा गया है कि जो भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है, उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह मोक्षदा एकादशी का ही वह पावन दिन है जब इस धरा पर भगवद गीता का उद्धरण हुआ। जो कोई मनुष्य इस पवित्र ग्रंथ में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करते हैं, वे अपना जीवन पूर्ण बनाते हैं व जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल भी पाते हैं। आज हम इसी अति पुण्यदायिनी मोक्षदा एकादशी के विषय में चर्चा करेंगे। विष्णु पुराण के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत वर्ष की अन्य 23 एकादशियों का उपवास रखने के बराबर है। इस एकादशी का पुण्य पितरों को अर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मांड पुराण में मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी का महात्म्य भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को बताते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे इस संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है, उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी विधि क्या है, कृपया मुझे आप ये सब बताएं। तब भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है और इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य व तुलसी मंजरी आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इसकी कथा पुराणों में इस प्रकार है, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में वैष्णव निवासित रमणीय चंपक नगर में वैखानस महाराज राज्य करते थे। उनके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहा करते थे और राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन भी किया करता था। एक रात्रि राजा को स्वप्न में अपने पिता को नर्क की यातनाएं करने का दृश्य दिखा। इस प्रकार का स्वप्न देखकर राजा बड़ा ही व्याकुल हो गया। वह बेचैनी से सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। सुबह होते ही उसने ब्राह्मणों को बुलाकर उनके समक्ष अपने स्वप्न की बात बताई। उसने कहा, हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक की घोरतम यातनाएं भोगते देखा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं घोर नरक भोग रहा हूं, मेरी यहां से मुक्ति कराओ। और जब से मैंने उनके यह वचन सुने हैं, तब से मुझे चैन नहीं। मुझे अब राज्य, सुख, हाथी, घोड़े, धन, स्त्री, पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं हो रहे। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है, इसलिए कृपया आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, दान, व्रत आदि बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। यदि मैंने अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्त कराने के प्रयास नहीं किए तो मेरा ये जीवन निरर्थक है। जिसके पिता नरक की यातनाएं भोग रहे हों, उस व्यक्ति को इस धरती पर सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं है। हे ब्राह्मण देवों, मुझे शीघ्र ही इसका कोई उपाय बताने की कृपा करें। राजा के आंतरिक दुख की पीड़ा को सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर एक मत होकर बोले कि हे राजन, वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक मुनि यहाँ पर रहते हैं, जो यहाँ से अधिक दूर नहीं। आप अपनी यह व्यथा उनसे जाकर कहें, वे अवश्य ही इसका कोई सरल उपाय आपको बता देंगे। तब ब्राह्मणों की बात मान राजा पर्वत मुनि के आश्रम पर गए
आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे जान पड़ रहे थे। राजा ने उन्हें साक्षात दंडवत प्रणाम किया तथा अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछी, तब राजा ने बताया, हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, किंतु मेरे समक्ष अकस्मात ही एक ऐसी समस्या आ खड़ी हुई है जिससे मेरा हृदय बड़ा ही अशांत हो रहा है। फिर राजा ने मुनि को व्यथित हृदय से रात में देखे गए स्वप्न की पूरी बात बताई और फिर दुखी स्वर में बोला, हे महर्षि, अब आप कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं अपने पिता को नरक की यातना से मुक्ति दिलाऊं। तब राजा की बात पर्वत मुनि ने गंभीरता पूर्वक सुनी, फिर नेत्र बंद कर भूत और भविष्य पर विचार करने लगे। कुछ देर गंभीरता पूर्वक चिंतन करने के बाद उन्होंने कहा, हे राजन, मैंने अपने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के सभी कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था, उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता नरक में गए हैं। यह जानकर वैखानस ने याचना भरे स्वर में कहा, हे ऋषिवर, मेरे पिता के उद्धार का आप कोई उपाय बताने की कृपा करें, किस प्रकार वे इस पाप से मुक्त होंगे। इस पर पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह मोक्ष प्रदान करने वाली है। आप इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और उस व्रत के पुण्य को संकल्प करके अपने पिता को अर्पित कर दें। एकादशी के पुण्य प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। पर्वत मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आए और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर दिया, जिससे इस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को सहज ही मुक्ति मिल गई। स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए राजा के पिता ने कहा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। और इतना कहकर राजा के पिता ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। हे पांडुपुत्र, जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। इस उपवास से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। यह उपवास मोक्ष प्रदान करने वाली चिंतामणि के समान है, जिससे उपवास करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे राजन, प्रत्येक मनुष्य की प्रबल इच्छा होती है कि वह मोक्ष प्राप्त करे, इसलिए मोक्ष की इच्छा करने वालों के लिए मोक्षदा एकादशी का यह उपवास अति महत्वपूर्ण है। अतः भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त यह उपवास पूर्ण निष्ठा व श्रद्धा से करना चाहिए। तो आइए हम सब भी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय इस एकादशी के व्रत को रखें, जो जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य भक्ति में अत्यंत सहायक है। वह इस दिन अधिक से अधिक नाम संकीर्तन करें, जप करें व विशेषतया भगवत गीता का अध्ययन करें तथा अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को कम करते हुए अपना संपूर्ण ध्यान भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में रमाएं। मोक्षदा एकादशी के पावन अवसर पर इस्कॉन के सभी मंदिरों में भगवत गीता यथारूप तथा शास्त्रों की ही सार रूप अनेक छोटी बड़ी किताबों का वितरण किया जाता है, ताकि प्राणी मात्र तक भगवान का यह दिव्य संदेश पहुंच सके। आप सब भी इस पुनीत कार्य में सहभागी बने, पुस्तकों को खरीद कर उनका अध्ययन कर उनका वितरण कर अपना ये मनुष्य जीवन सफल बनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।